करें शुरू कोई है करे बताओ कि इंतजार करे है नमस्कार आप सब लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे राष्ट्रीय नेता और कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता श्री राहुल गांधी जी पर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही है और ऐसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं महज कुर्सी के लिए राष्ट्रीय नेता पर टिप्पणी कर ली जाए और इसमें भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर अपनी कुर्सी कितनी मजबूत की जाए तो कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ सम्मानित नेता जो लोगों की आवाज़ है जो पत्रकार बंधुओं की भी आवाज़ है जिन्होंने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को मजबूत लोकतंत्र को मजबूत कर उनके मन में ये भाव था कि मैंने देश की लोकतांत्रिक परिस्थितियों को मजबूती प्रदान करनी है तो मुझे देश के हर दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाना है और उनकी आवाज़ बनकर कांग्रेस पार्टी बनाना है राज्यसभा में तो मैं किसी राष्ट्रीय जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा जी उनको भी ऐसे नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए कि इस प्रकार की टिप्पणी से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और व्यक्तिगत टिप्पणियों से किसी की राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। ऐसी एक टिप्पणी शिवसेना के द्वारा की गई और ये चुनावों का वक्त है उत्तर भारत में चुनावों का वक्त है तो इस समय ये टिप्पणियां करके अपनी और ध्यान आकर्षित करने की बात राजनीति का एक अंग होती है ताकि जो सरकार की नाकामियां हैं उन दोनों नेताओं का हमारी पार्टी भी हमारी सरकार भी पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी इस देश के एक सम्मानित नेता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है। राहुल गांधी जी की नीतियां कार्यक्रम के द्वारा इन नेताओं के माध्यम से इस प्रकार की टिप्पणी करवा रही हैं जिसकी कि कांग्रेस पार्टी भरपूर भ्रष्टता करती है। इसी संदर्भ में मैंने आज आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बात रखने की बात की थी और मैं ये भी कहना चाहूँगा लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष चला रहता है विरोध भी होता है सत्ता पक्ष भी होता है लेकिन गरिमा होती है लोकतंत्र में और लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जनता जब चुनकर भेजती है तो उसको अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। धन्यवाद। नहीं मुझे तो जहाँ पार्टी जिम्मेवारी देती है मुझे उस जिम्मेवारी का निर्वाह करना है। अब मैं जम्मू के चुनाव में जहाँ मुझे पार्टी ने अभी भेजा है मैं जम्मू के चुनाव के प्रचार के लिए जाऊंगा। सर मेरा सवाल ये है रवनीत बिट्टू का भी बयान आया सर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है पन्नू की भाषा बोल रहे और इसलिए मैंने ये कहा था तो साथ ही में मेरा सवाल इसमें ये जुड़ा हुआ है कि जब एक ऐसी पार्टी में इतने टाइम तक वो सांसद रहे इतने बड़े नेता रहे हिमाचल के प्रभारी रहे तो इतना जल्दी ये नेता क्यों खूंखार हो जाते कि उसी पार्टी पर अटैक कर रहे। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जिस पार्टी के वो सांसद रहे जिस पार्टी में राहुल गांधी जी के आगे पीछे वो घूमते रहे वो इसलिए होते हैं कि उनको कुर्सी जो है वो बड़ी प्यारी होती है उन्हें कुछ नहीं लेना है जनता की सेवा से उन्हें सिर्फ कुर्सी से लेना है और उनको कुर्सी बचाने के लिए जब कोई दूसरा राजनीतिक दल दबाव डालता है उसके आधार पर फिर इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। आज तो सिर्फ इसी से संबंधित आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा।
अब आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी से है, क्योंकि फिर वो सवाल ना मैं आपको अलग से बताऊंगा। सर, ये जो बयान है सियासत आपने कहा, इसमें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बार ऐसे बयान आते हैं जो मर्यादाएं लांघते हैं। आप क्या संदेश क्या क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो क्या चाहे विधानसभा का मसला देखिए हो, कानून का राजनीति मसला हो, ये बात केवल राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, बहुत सारे नेता और भी है उनके खिलाफ भी बयान ऐसे आते रहते हैं। देखिए राजनीति में लोकतंत्र की एक मर्यादा होती है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं और जो नेता लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले होते हैं, और किसी पार्टी से चुनकर अगर कोई सांसद बनता है, नहीं भी बनता है लेकिन राजनीतिक जीवन में है, तो उन्हें अपने बयान को गरिमापूर्ण ढंग से जनता के सामने रखना चाहिए। वो किसी भी पार्टी से महज कुर्सी प्राप्त करने के लिए जो इस प्रकार के बयान होते हैं, उसको मीडिया भी बहुत उछाल उछाल कर दिखाता है, बहुत तरह से दिखाता है। तो इस प्रकार के बयान कोई सत्य पर तो आधारित होते नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी इसलिए की जाती है ताकि उस मेरी तरफ उस टिप्पणी के द्वारा ध्यान आए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे नेता जिनको पर बयानबाजी करना, ऐसे नेता जिन पर बयानबाजी का, जिनके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, राजीव गांधी जी की दादी ने इस देश की एकता, राहुल गांधी जी की, माननीय श्री राहुल गांधी जी की दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, माननीय श्री राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, जिस देश के दो प्रधानमंत्री इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दिया, उनके परिवार पर इस प्रकार की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है। और रमनीत सिंह बिट्टू जी को तो ये पता होना चाहिए कि वो भी एक आतंक, वो भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए, उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी के नेता थे और शहीद हुए थे। तो इस महज की कुर्सी बची रहे तो इन चीज़ों से कोई राजनीतिक लाभ नहीं होता। तो इस चीज़ के, इस प्रकार के बयानों से बचकर ही चलना चाहिए। सर, क्या आप अमेरिकी सांसद इलहान उमर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुलाकात का समर्थन करते हैं? देखिए जो आज मैं कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ। सर, उसी मसले से जुड़ा हुआ मसला है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये इसको अब राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चाय पीते आपके साथ।